हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, इनको तो हमने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया था। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो घरेलू मुद्रा होती है उसका मूल्यह्रास कैसे होता है, मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जिसमें हम बात करेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि के बारे में, यानी कि घरेलू करेंसी की जो मूल्य वृद्धि है उसका क्या मीनिंग होता है, मूल्य वृद्धि किन किन कारणों की वजह से होती है, इसके अलावा डिमांड और सप्लाई की इसमें क्या भूमिका रहती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि का मतलब समझ लेते हैं पहले। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है मूल्य का बढ़ना, मूल्य की वृद्धि होना यानी कि मूल्य का बढ़ना। अब मूल्य का बढ़ना का मतलब है, जैसे घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि का मतलब हो जाएगा घरेलू करेंसी का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक रुपया है आज वो बढ़कर हो जाएगा 100 रुपये। इसका मतलब हो जाएगा जब विदेशी करेंसी की तुलना में घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि अब हम पहले की तुलना में ज्यादा विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं अपने घरेलू करेंसी से, तो उसको हम कहेंगे कि हमारी घरेलू करेंसी का जो मूल्य है वो बढ़ गया है। तो घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि का मतलब है घरेलू करेंसी के मूल्य का बढ़ गया है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ गया, विदेशी करेंसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ इसकी डेफिनेशन है, घरेलू करेंसी के मूल्य वृद्धि का मतलब होता है जब विदेशी करेंसी के संबंध में, जैसे डॉलर के संबंध में, घरेलू करेंसी का मूल्य बढ़ गया है। जैसे इंडियन रुपीस का मूल्य बढ़ गया है तो डॉलर के कंपैरिजन में जब इंडियन रुपीस का मूल्य बढ़ जाता है उसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। इसको हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब डॉलर को खरीदने की जो कीमत है वो कम हो जाए, कि अब हमें सस्ते रुपए में डॉलर मिलने लगे, उसको भी हम घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि कहेंगे। तो ये दोनों बातें कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 50 रुपए में पहले 1 डॉलर आता था, ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो आपको एग्जाम्पल की तरह याद रखना है इसको, ठीक। जैसे 50 रुपए का पहले 1 डॉलर आता था, अब क्या हुआ, अब जो विदेशी मुद्रा है उसका मूल्य कम हो गया, यानी कि विदेशी करेंसी को जो खरीदने की कीमत है, विदेशी करेंसी की कीमत कम हो गई है। कम होने का मतलब अब ये हो जाएगा कि हमारी करेंसी के मूल्य बढ़ गया है। रुपए का मूल्य बढ़ जाने से 25 रुपए का 1 डॉलर मिल जाएगा। पहले हम 50 रुपए का 1 डॉलर खरीद रहे थे, अब हम 50 रुपए में 2 डॉलर खरीदने के लायक हो गए हैं। तो हमारे जो मुद्रा की वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो जब भी मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, उसको मूल्य वृद्धि कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि जब भी रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा उसको हम बोलेंगे कि हमारी घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो गई है। अब इसको याद रखने की एक आसान सी ट्रिक है, जैसे ट्रिक हमने पिछले वीडियो में देखी थी। इसकी ट्रिक क्या है, जैसे पहले 50 रुपए में 1 किलो चावल मिलते थे मार्केट के अंदर, लेकिन हुआ क्या कि अब 25 रुपए के 1 किलो चावल मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो चावल की जो कीमत है वो कम हो गई है, यानी कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो आप किसी भी तरह इसको याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो हम इसको करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है ऐसा क्यों बोलते हैं। तो जब आप इस प्रोडक्ट के वैल्यू से पता लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू घट नहीं रही है। जैसे पहले 50 रुपए देने होते थे 1 किलो चावल खरीदने के लिए, लेकिन अब 25 रुपए में ही आ रहे 1 किलो चावल, यानी कि हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं सेम सामान के लिए। ठीक इसी तरीके से डॉलर का है, 50 रुपए में 1 डॉलर आ रहा था पहले तो मतलब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते थे, अब 25 रुपए में ही आ रहा है डॉलर, इसका मतलब हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट याद ना हो तो आप इसको प्रोडक्ट के कंपैरिजन में याद रख सकते हो, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं घरेलू करेंसी की जो मूल्य वृद्धि है वो कब कब होती है, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि जब घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि होती है। तो ये तब होती है जब विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, यानी कि विदेशी विनिमय की दर जब कम हो जाएगी तो तब हम बोलेंगे कि हमारी घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो घरे जो विदेशी मुद्रा है वो पहले मिल रही थी 50 रुपए की, अब मिल रही 25 रुपए की, तो यानी उसको खरीदने की कीमत कम हो गई है। तो नॉर्मल भाषा में जब आपको याद रखना हो, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिख तो आप अपने हिसाब से दोगे ही, तो लेकिन कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, लिखने पे ज्यादा जोर देते हैं, समझने पे कम जोर देते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, अच्छे से इसको रीड करना है, उसके बाद में इजी लैंग्वेज में समझना है। जैसे हम यहाँ पर दे रखा है विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर को आप विदेशी विनिमय दर के रूप में याद नहीं होता है तो मत करो। आप याद रखो कि विदेशी करेंसी को खरीदने की जो उसकी कीमत है,
तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। जब आपको याद रहेगा कि हाँ विदेशी करेंसी की कीमत के बारे में बताया गया है, तो आपको ये भी याद रहेगा कि इसको हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो ठीक इसी की तरह से सारे कॉन्सेप्ट को आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम देखते हैं कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि कब होती है। घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि तब होती है जब विदेशी विनिमय दर कम हो जाती है। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि विदेशी करेंसी की कीमत कम हो जाती है। पहले विदेशी करेंसी की कीमत ज्यादा थी, अब विदेशी करेंसी की कीमत कम हो गई है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी घरेलू करेंसी है उसकी मूल्य वृद्धि हो गई है। तो इसका पहला कारण है कि विदेशी करेंसी की कीमत कम होने की वजह से घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि होती है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि विदेशी मुद्रा की कीमत में कमी की क्या कारण है, या हम बोल सकते हैं घरेलू करेंसी की क्यों मूल्य वृद्धि होती है उसके क्या कारण है। ठीक वही कारण है जो मूल्यह्रास के हमने देखे थे, वही मूल्य वृद्धि के कारण है। पहला कारण है मांग, दूसरा कारण है पूर्ति। तो जब विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है, यानी कि डॉलर की मांग कम हो गई है, कोई पूछ नहीं रहा है डॉलर को, देश के अंदर डॉलर जगह जगह भटक रहा है, कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। डॉलर का छोड़ो, अगर किसी भी नॉर्मल सामान की बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई एक कुर्सी है, उस कुर्सी को खरीदने वाला कोई है ही नहीं, एक बॉटल है उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो उसकी मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मांग कम हो जाने की वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो उसके आप याद रख सकते हो कि जब भी किसी भी चीज की मांग कम हो जाती है, उसका प्राइस कम हो जाता है। जब किसी चीज की पूर्ति बढ़ जाती है, जैसे मार्केट के अंदर जगह जगह कुर्सी मिल रही है, जगह जगह आपको सामान मिल रहा है, तो जगह जगह जब भी सामान उपलब्ध होता है, आसानी से पूर्ति बढ़ने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सब लोग कहेंगे ये कुर्सी यहाँ पर इतने की मिल रही है, वहां पर उतने की मिल रही है, तो उसकी वजह से लोग उसका जो प्राइस है उसको बिल्कुल कम कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी किसी चीज की मांग कम हो जाती है या उस चीज की पूर्ति बढ़ जाती है, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। ठीक ऐसे ही डॉलर के संबंध में, जब डॉलर की मांग कम हो जाएगी, कोई लोग उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये लिखा है उसकी विदेशी करेंसी कीमत कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि इसकी मांग कम हो गई है। ठीक उसी तरीके से अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, जगह जगह आपको डॉलर ही डॉलर मिल रहे हैं, उसकी पूर्ति बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में डॉलर की भरमार हो गई है, तो क्या होगा, उसके जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो जब विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी उसकी कीमत कम हो जाती है, जैसे डॉलर की पूर्ति बढ़ गई है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि घरेलू करेंसी के मूल्य वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं। इसके दो कारण है मूल्य वृद्धि के, एक है मांग में कमी होना, दूसरा है पूर्ति में वृद्धि होना। तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे इस दोनों का डायग्राम, कि डायग्राम की मदद से दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखेंगे कि मांग में अगर कमी हो रही है, तो उसकी वजह से जो घरेलू करेंसी है उसकी मूल्य वृद्धि कैसे होती है, यानी कि उसकी वजह से जो विदेशी विनिमय की कीमत है वो कैसे कम होती है, उसको हम देखते हैं। जैसे अगर सपोज करो मांग में कमी हो रही है, जैसे हमने डायग्राम मूल्यह्रास में बनाया था, वैसे डायग्राम सेम इसमें बनाना है। एक साइड पर हम यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, आप इसको लिखोगे विदेशी विनिमय की दर, यानी कि ऐसी दर जिसमें हम विदेशी मुद्रा को खरीदते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको आपको जब ये डायग्राम बनाओगे तो आपको यहाँ पर लिखना है विदेशी विनिमय की दर। नेक्स्ट नीचे हम लिखते हैं डिमांड को या सप्लाई को, तो आप इसको लिखोगे मांग या पूर्ति। अब जब भी हम इसका कर्व बनाते हैं, तो ये होता है सप्लाई का कर्व, ये होता है डिमांड का कर्व, इसको हम एस लिखते हैं, इसको हम डी लिखते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसके बिल्कुल सामने वाला जो ये पॉइंट है, जो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यही होता है रेट, यानी कि ये दिखाता है रेट ऑफ एक्सचेंज को, कि विदेशी विनिमय की दर को, यानी कि इतने रुपए में विदेशी विनिमय मिल रहा है, इतने रुपए में विदेशी मुद्रा मिल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मांग में कमी आ गई, अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी स्थिति हुई जिसकी वजह से जो विदेशी मुद्रा है उसकी लोगों ने मांग करना बंद कर दिया, डॉलर की मांग करना बंद कर दिया। अब क्या होगा, जो डिमांड का कर्व है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा, अब यहाँ पर देखेंगे जो नया पॉइंट है, जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल सीध में आप जो नई डिमांड है उसको D1 से डिनोट करोगे। अब जो नया उसकी सीध में रेट आया है, तो इसको हम R1 बोलेंगे, ये नया विदेशी विनिमय की दर को दिखाता है। तो यहाँ पर हमें एक बात और पता चली है कि जब डिमांड कम हो गई है, आप देखोगे डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो भी कम हो गया, पहले ऊपर था अब ये नीचे आ गया है। तो डिमांड कम होने की वजह से, मांग कम होने की वजह से विदेशी विनिमय की दर कम हो जाती है, यानी कि विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, यानी कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि अब हमें कम रुपए देकर भी डॉलर आसानी से खरीद सकते हैं, बच्चा बच्चा चाहे डॉलर खरीद सकता है ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें पूर्ति में वृद्धि की, तो इसका डायग्राम भी सेम ऐसे ही बनता है, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस। जब भी हम इसको बनाएंगे, यहाँ रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे, नीचे डिमांड लेंगे या सप्लाई लेंगे। अब ये हो गया सप्लाई का कर्व, ये हो गया डिमांड का कर्व। जहाँ दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, उसके सामने की जो लाइन होती है होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विदेशी विनिमय की दर। इस दर के ऊपर ही डॉलर मिल रहा है अभी फिलहाल में। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर आप लिख दो ये ऐसे ही डी है। अब हुआ क्या कि सप्लाई में वृद्धि हो गई। सप्लाई में वृद्धि होने का मतलब जो सप्लाई का कर्व है नीचे की तरफ आएगा, तो ये सप्लाई में वृद्धि हो गई है, तो सप्लाई बढ़ गई है। तो यहाँ सप्लाई बढ़ने से अब सप्लाई और डिमांड का कर्व एक दूसरे को यहाँ टच कर रहा है, तो इसके सामने का जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा R1। इसको हम बोलेंगे जो सप्लाई का नया कर्व है S1। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि सप्लाई ज्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो कम हो गया है, यानी कि विदेशी विनिमय की दर कम हो गई है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा की कीमत है वो कम हो गई है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो गई है, तो अब हम कम रुपए में भी ज्यादा मुद्रा खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो गई है। तो ये तीन चार पॉइंट्स है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको याद रख सकते हो, या आप ये बोलो कि विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो गई है और घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो गई है, या आप ये भी बोल सकते हो कि विदेशी विनिमय की दर है वो कम हो गई है। तो दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के डायग्राम को हमने समझा है, आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वाली वीडियो में हमने देखा है कि जो विदेशी मुद्रा होती है उसके कंपेरिजन में जब कभी भी घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि होती है, तो उसको ही हम कहते हैं कि घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो गई है। अब घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि दो कारणों की वजह से होती है, वो होती है मांग में कमी की वजह से या पूर्ति में वृद्धि की वजह से। मांग कम हो जाएगी अगर डॉलर की, तो इसकी वजह से घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो जाएगी। अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी डॉलर की, तो उसकी वजह से डॉलर का प्राइस तो कम हो जाएगा, लेकिन घरेलू करेंसी की जो मूल्य वृद्धि है वो बढ़ जाएगी, यानी घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके के और भी सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे अपने इसी चैनल के ऊपर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे हक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।